जैसा कि सर आपने कहा कि जितना हमने अनुमान लगाया था उससे भी बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे। 2140 करोड़ का हमारा अनुमान था यहाँ पर आय का, उससे भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर आए हैं। साथ ही कंपनी का 155 करोड़ का अभी कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिख रहा है, हमारा अनुमान 145 करोड़ का था। तो मार्जिन के लिहाज से भी रिलेटिवली बेहतर साइड पर परफॉर्मेंस है। 6.8% की एक्सपेक्टेशन थी, 6.9% कंपनी ने दर्ज किया है। और साथ ही मुनाफा दीप ने भी अभी मेंशन किया कि 100 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है, 88 करोड़ का हमारा अनुमान था। तो हर एक पैरामीटर पर एक क्लियर दिख रहा है ब्लू स्टार के नंबर्स में। तगड़े नंबर्स, बहुत ही जानदार शानदार बढ़िया नंबर्स हैं और ये बीट आपको नजर आएगा। जरा एक बार सुदीप शाह साहब हैं। सुदीप जी, ये ऐसे भागते हुए स्टॉक का चार्ट साहब देख लेते हो सर? जी सर, जी बताओ बताओ। देख लेते सर। जी बताइए। अनिल जी, यदि हम ब्लू स्टार का जो चार्ट देखते हैं, एक चीज इसमें बहुत ही मैं ध्यान देने वाली बात है कि जब अगस्त 2023 में स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज में था, इनफैक्ट फरवरी से लेके अगस्त के बीच में 700 से लेके 850 के बीच, वहां से जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया और हर बार कंसोलिडेट करता है और फिर एक नई रैली का स्टार्ट करता है। और यदि हम पिछले 10-15 दिन अगर ट्रेडिंग पैटर्न भी देखें तो स्टॉक 1040 से लेके 1090 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था और आज हम देख रहे हैं कि अच्छे नतीजों के बल पे अब स्टॉक फिर से एक बार ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो मुझे लग रहा है इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी और स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए अच्छे नतीजे भी हो। तो डेली वीकली मंथली चार्ट अगर टेक्निकली देखें तो सारे पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहां से ये स्टॉक को लिया जा सकता है एज एन आउट परफॉर्मर, गिरते हुए मार्केट में भी एक अच्छा ये आउट परफॉर्म कर रहा है अपने आप को। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1070 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली 1200-1250 का टारगेट इस पे आ सकता है और ये पिछले दो दिन का जो एक हाई है जो मेरे ख्याल से 1120 का है, ये उसको निकाल देगा तो एक बड़ा अपमूव यहाँ पे आ सकता है। तो ओवरऑल 1070 के स्टॉप लॉस के साथ किसी के पास है तो बने रह सकते हैं या फिर फ्रेश भी खरीदे तो 1070 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। ये है आपके लिए राय, इस पर ब्लू स्टार पर आती है। बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं तो आपकी अनिल जी वो अनलिमिटेड मेमोरी में एक चीज ऐड करा रहा हूँ। सितंबर 2023 में 730-740 रुपए का भाव था अनिल जी, तब आपने ब्लू स्टार पे बात हो रही थी, आपने बोला था मेरे घर पे भी ब्लू स्टार के एसी लगे हुए हैं। उस दिन से अनिल जी रुका ही नहीं, तो दाम 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। दाम के 10-20 रुपए के लिए ट्रोल ना करें, बट इन्हीं रेटों के आसपास सितंबर में 730-740 के अराउंड अनिल जी आपने बोला था और एक बार पहले भी मैंने इसे हाईलाइट करा था जब से आपने बताया ब्लू स्टार के एसी लगे हुए हैं, ये नॉन स्टॉप भागता ही जा रहा है। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए ब्लू स्टार पर आती हुई दिख रही है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये अधिकांश क्षेत्र मेरा है तो अनिल जी मैं याद दिला दूं कि इसको भी अनिल जी मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में भी रेकमेंड किया है और स्टॉक में जबरदस्त तेजी हमारी रिकमेंडेशन के बाद आई है, तो अनिल जी क्रेडिट दे दीजिए अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ओके, ये आपके लिए ब्लू स्टार भागते हुए स्टॉक का चार्ट अनिल जी। ये आइडिया क्या है भागते क्या रही है? अरे वो क्या होता है देखो, एक तो नदी में पानी बह रहा है तो अपने आप वेव्स आती है। एक कोई ऐसा पॉन्ड वाइज टाइप का है जिसके अंदर आप पत्थर डालते तो वेव निकलती है उसमें। तो ये ऐसे भागते हुए स्टॉक का चार्ट जैसे हमारे कुणाल जी, सुदीप शाह साहब, ये सारे लोग एक्सपर्ट देखे,